हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी टेक्निकल बॉस चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसका स्टोर अपन यहां पे कैसे ओपन कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें यानी कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, उसके बाद में एरिया रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसके बाद में देखेंगे फ्रेंचाइजी लेने के फ़ायदे क्या है और उसका आवेदन शुल्क कितना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है वो देखेंगे। इसके लिए अपने को अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो अपन आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना एक भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3/4/2018 में घोषित एक परियोजना है। 14 से 15 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन परियोजना कर दिया है और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाई यहाँ पे बाजार में कम दाम में मिलती है, तो उसको अलग अलग स्टोर यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ जेनरिक दवाइयों उपलब्ध कराई जाती हैं। ये उस कंपनी का मतलब है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फ्रेंचाइजी के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे स्पेस के यहाँ पे आपके पास एरिया रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, उसके बाद में आपके पास 2 से लेकर 3 हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको अच्छे खासे यानी कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है, तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा अच्छा खासा लगने वाला है। तो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। 5 से लेकर 10 लाख तक आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। स्टोर कॉस्ट की बात करें तो 5 से लेकर 10 लाख रुपए मिनिमम, आपको 3 से 4 लाख रुपए अगर आपकी ज़मीन खुद की है तो आपको लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर लैंड की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। आपको अराउंड 10 से 15 लाख रुपये यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि जो कंपनी के जो वर्कर वगैरह हैं उनकी सब सैलरी वगैरह पकड़ के आपको 10 से 15 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाले। तो इसका फायदे की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। जेनरिक मेडिसिन के साथ प्रोडक्शन की सुविधा भी मिलती है, समय पर सभी दवाइयाँ मिलती हैं और सप्लाई चेन भी काम करती है, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी सप्लाई चेन होता है और उसे आपको कस्टमर ढूंढने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी द्वारा पूरी सपोर्ट दी जाती है, अच्छी फार्मा कंपनियों के साथ काम करते हैं, 100% अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होता है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट होता है। एक स्टोर में सभी ब्रांड के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के साथ इलेक्ट्रिक बिलिंग और सुविधा के साथ में कंपनी में एडवर्टाइजिंग भी कंपनी सपोर्ट करती है और उसमें आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी सारा अपने को यहाँ पर सुविधा यहाँ पर प्रदान करती है। अभी यहाँ पे देखेंगे जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र के साथ 5,000 रुपये का आवेदन शुल्क जमा किया जाना है। आवेदन शुल्क वुमेन के लिए SC/ST और नीति के लिए आकांक्षी जिलों के लिए निगमित रहने के लिए तहत उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए लागू नहीं, क्योंकि जो ऐसे महिलाओं के लिए SC/ST उनको यहाँ पर फ्री आवेदन है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, अपने को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, GST, उसके बाद में पॉलिसी की डिक्लेरेशन। और इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, GST और डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन, यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।